देखिए, अपना टॉपिक चल रहा था फ्लो इन सर्कुलर सिलेंडर। उसमें दो केस बनाए थे। पहला केस था व्हेन वॉल ऑफ पाइप एट कांस्टेंट टेम्परेचर, और दूसरा था वॉल ऑफ पाइप एट यूनिफॉर्म टेम्परेचर ग्रेडियंट। ठीक है, तो यूनिफॉर्म टेम्परेचर ग्रेडियंट वाले में अपने चल रहा था, तो उसमें अपने टेम्परेचर डिस्ट्रीब्यूशन निकाला। टेम्परेचर डिस्ट्रीब्यूशन का फॉर्मूला क्या आया था, टी इक्वल टू, मैं लिख रहा हूँ इधर देखो, टी इक्वल टू आया था ए जेड माइनस आया था रो सी बी कैपिटल ए बी जेड मैक्सिमम अपॉन में के, फिर आया था अपॉन में के आर स्क्वायर 3/16 1/4 आर अपॉन आर का स्क्वायर प्लस 1/16 स्मॉल आर अपॉन कैपिटल आर की पावर 4। ये तो आया था अपन के क्या आया था, वेलोसिटी डिस्ट्रीब्यूशन। ठीक है, ये तो आया था अपने वेलोसिटी डिस्ट्रीब्यूशन। फिर नेक्स्ट अपन को निकालना होता है, नाउ वी कैलकुलेट द टेम्परेचर मीन। नाउ वी कैलकुलेट द टेम्परेचर मीन तो इसमें पहले, अब इसमें दो तरीके का टेम्परेचर मीन आएगा वेलोसिटी डिस्ट्रीब्यूशन में, इसमें अनवेटेड वाला और दूसरा वाला है वेटेड वाला। तो अनवेटेड टेम्परेचर मीन तो अनवेटेड तो वही वाला टेम्परेचर मीन होता है जो अपन पहले निकालते आए। ये एक ही का फंक्शन होता है इसमें वेलोसिटी की रेस्पेक्ट में। देखो, अनवेटेड और वेटेड दो तरीके के होते हैं। अनवेटेड तो वही होता है जो नॉर्मली अपन टेम्परेचर मीन निकालते हैं, और वेटेड वो वाला होता है जिसमें टेम्परेचर डिस्ट्रीब्यूशन में चेंज निकाला जाता है विद रेस्पेक्ट टू वेलोसिटी। यानी ये दो का फंक्शन होता है, वेलोसिटी का भी होगा और टेम्परेचर का भी होगा। तो अनवेटेड का फॉर्मूला तो अपन के वही रहेगा, टी मीन इंटीग्रल 0 टू आर टेम्परेचर टी 2πr.dr और डिवाइडेड बाई कितना रहता है, पाई आर स्क्वायर, डिवाइडेड बाई कितना रहता है, पाई आर स्क्वायर। तो इसमें देखो कौन कौन भार आ गया, टू पाई भार आ रहा है, पाई आर स्क्वायर भार आ रहा है, 0 टू r टी डॉट r इंटू कितना रह रहा है dr, पाई से पाई कट गया तो 2 अपॉन r स्क्वायर, और 0 टू r t की वैल्यू रख दो, t की वैल्यू थी ए जेड माइनस रो सी वी ए वी जेड मैक्सिमम इंटू आर स्क्वायर 3/16 माइनस 1/4 आर अपॉन कैपिटल आर का होल स्क्वायर प्लस 1/16 आर अपॉन कैपिटल आर की पावर कितना 4 इंटू आर डॉट डी आर, ये वाला है। तो इस इंटीग्रल को हम आसानी से सॉल्व कर सकते हैं, और इस इंटीग्रल को आसानी से सॉल्व करेंगे तो देखो वैल्यू क्या आएगी, मैं इसकी वैल्यू बता रहा हूँ। क्योंकि देखो यहाँ पे आर की पावर 5 बनेगा, यहाँ पे आर की पावर 3 बनेगा, यहाँ पे आर आएगा और यहाँ पे आ रहा है। सिंपली अपन लिमिट लगा के सॉल्व कर सकते हैं। मैं इसकी वैल्यू बता रहा हूँ वो क्या आएगी आपके डायरेक्टली। तो टी मीन अनवेटेड मीन आएगा, टी मीन इक्वल टू ए जेड माइनस 1/12 के, ए जेड माइनस 1/12 के आर स्क्वायर रो सी बी, आर स्क्वायर रो सी बी और वी जेड मैक्सिमम। इधर नहीं दिख रहा है तो मैं इधर लिख देता हूं, देखो टी मीन की वैल्यू आएगी ए जेड माइनस 1/12 के
ए आर स्क्वायर रो इंटू सी वी और वी जेड मैक्सिमम, ये इसका इंटीग्रल का वैल्यू आएगा। तो ये टेम्परेचर मीन हो जाएगा अनबेटेड। फिर दूसरा फंक्शन है, दूसरा है बेटेड टेम्परेचर मीन। तो ये देखिए बेटेड क्या होता है, वेटेड टेम्परेचर मीन, तो इसमें क्या किया जाता है, टेम्परेचर जो होता है आपके टेम्परेचर डिस्ट्रीब्यूशन में चेंज देखा जाता है कि टेम्परेचर डिस्ट्रीब्यूशन में वेलोसिटी के रेस्पेक्ट में कितना चेंज आ रहा है, वेलोसिटी के रेस्पेक्ट में कितना चेंज आ रहा है। तो जो इसका फॉर्मूला होगा आपके वो देखो कितना है, वेटेड मीन का ये फॉर्मूला है टी इंटू बी जेड, टी मीन का फॉर्मूला है इंटीग्रल 0 to R टी इंटू वी जेड डॉट 2πR, इसमें ये बी जेड और आ जाता है वेटेड में क्योंकि दो का फंक्शन होता है, डिवाइडेड बाई अगेन इंटीग्रल 0 to R बी जेड डॉट 2πR dr, बी जेड डॉट 2πR dr। तो जो वेलोसिटी डिस्ट्रीब्यूशन का जो मीन होता है, मीन वेलोसिटी जो होती है, ये मीन वेलोसिटी का फॉर्मूला है। मीन वेलोसिटी जो होती है उसके रेस्पेक्ट में अपन को क्या निकालना होता है, चेंज निकालना होता है। ठीक है, तो पहले ऊपर वाला इंटीग्रल सॉल्व कर लीजिए। तो ऊपर वाले इंटीग्रल की वैल्यू बता रहा हूँ मैं, देखो क्या आएगी आपके, पहले ऊपर वाला अलग से सॉल्व करना पड़ेगा और फिर नीचे वाला अलग से सॉल्व करना पड़ेगा। तो पहले ऊपर वाला देख लीजिए, ऊपर वाला जो है इंटीग्रल कितना है आपके 0 to R टी डॉट बी जेड डॉट 2πR, तो इंटीग्रल 2π तो बाहर आ जाएगा, टी की वैल्यू कितना है ए जेड माइनस रो सी बी ए बी जेड मैक्सिमम और आर स्क्वायर। आप चाहो तो इसको क्या बी मान सकते हो, क्योंकि v इक्वल टू इसको कैलकुलेशन के लिए b मान सकते हो क्योंकि हमें बार बार बड़ा हो रहा है, तो इसको b मान लो। b मानोगे तो क्या आएगा, देखो 3/16 1/4 r अपॉन कैपिटल R का होल स्क्वायर प्लस 1/16 r अपॉन कैपिटल R की पावर 4, ये तो इसकी वैल्यू होगी। और bz मैक्सिमम की वैल्यू क्या थी, bz मैक्सिमम 1 - R² / R², इसकी वैल्यू थी बी जेड मैक्सिमम 1 - R² / R² डॉट डी आर, और जो R बच रहा था आपके ये जो R बच रहा था ये अपन लिख दिया आगे। तो इसका जो वैल्यू बता रहा हूँ मैं आपको, सॉल्व करेंगे इनको आपस में मल्टीप्लाई करके, लिमिट वही चल रहा है इंटीग्रेशन का 0 से लेकर कहाँ तक, R तक। तो इसको सॉल्व करेंगे तो इसका वैल्यू आ रहा है, इसका वैल्यू लिख लीजिए, वैल्यू आ रहा है बी जेड मैक्सिमम πR² इस बार ये पाई कटेगा नहीं क्योंकि अपॉन में नहीं है, πR² ए जेड 11/96 रो सी बी बी जेड मैक्सिमम R² अपॉन में के। ये क्या जो अपन ने ये बी माना था, इसकी जगह इसको अपन बी मानते हैं, इसकी वैल्यू वापस रख देंगे वहाँ पे आफ्टर सॉल्विंग द इंटीग्रल। इंटीग्रल को सॉल्व करने के बाद ये वाला वापस रख देंगे एंड दूसरा वाला इंटीग्रल निकालो, एंड दूसरा वाला इंटीग्रल 0 to R bz 2πR नीचे वाला dr, तो इसमें वैल्यू रखेंगे तो 2π तो बाहर आ गया आपके 0 to R vz मैक्सिमम 1 - R² / R² डॉट r डॉट dr, तो यहाँ से 2π आ गया, vz मैक्सिमम बाहर आ गया 0 to R 1 - R² / R²
डॉट आर डॉट डी आर। अब इसको सॉल्व करेंगे तो इसकी वैल्यू भी लिख लीजिए क्योंकि सिंपल इंटीग्रल है। इसकी वैल्यू आ रही है बी जेड मैक्सिमम पाई आर स्क्वायर अपॉन टू, बी जेड मैक्सिमम पाई आर स्क्वायर अपॉन टू। देयर फोर या दस द टेम्परेचर मीन कितना आएगा, दोनों को डिवाइड कर दो तो ऊपर वाली वैल्यू कितनी थी, बी जेड मैक्सिमम पाई आर स्क्वायर ए जेड 11/96 रो सी बी, अगेन बी जेड मैक्सिमम आर स्क्वायर अपॉन में के। ये तो ऊपर वाली थी और ये वाली थी चल रही है आपके वी जेड मैक्सिमम पाई आर स्क्वायर अपॉन टू। वी जेड मैक्सिमम से बी जेड मैक्सिमम कट गया, इससे ये कट गया तो टू कहाँ चला जाएगा आपके ऊपर चला जाएगा। तो ये जो वैल्यू है आपके कितनी आएगी वो देख लीजिए, सॉरी यहाँ पे भी अपॉन में टू था, मैं लिखना भूल गया। इसकी जो वैल्यू है उधर भी लिख लेना, यहाँ पे भी अपॉन में टू था, मुझे ध्यान नहीं रहा, तो ये पूरा ही कटेगा ठीक है। तो ये टेम्परेचर मीन ये आएगा, टी मीन का वैल्यू आएगा ए जेड माइनस 11/96 रो इंटू सी बी वी जेड मैक्सिमम आर स्क्वेयर अपॉन के, ये वाली वैल्यू आ जाएगी टेम्परेचर। ये वेटेड हो जाएगा और पहले वाला जो था वो अनवेटेड हो जाएगा, वेटेड टेम्परेचर मीन। ये वेटेड टेम्परेचर मीन हो जाएगा और जो पहले वाला था वो था क्या, अनवेटेड। तो वेटेड में क्या करते हैं अपन, जो टेम्परेचर होता है अपन का टेम्परेचर डिस्ट्रीब्यूशन उसमें चेंज निकालते हैं विद रेस्पेक्ट टू वेलोसिटी डिस्ट्रीब्यूशन। यानी वेटेड दो का फंक्शन होता है जबकि अनवेटेड सिंगल एक ही का होता है, उसमें केवल टेम्परेचर का ही निकालते हैं। नेक्स्ट टॉपिक है अपन का फ्लो बिटवीन टू रोटेटिंग सिलेंडर। नेक्स्ट टॉपिक है जो अपन ने वेलोसिटी डिस्ट्रीब्यूशन में ही पढ़ा था और यहाँ भी पढ़ेंगे। तो फ्लो बिटवीन टू रोटेटिंग सिलेंडर्स। तो वही देखो, लेट अस कंसीडर ए विस्कस इनकम्प्रेसिबल स्टेडी फ्लो बिटवीन टू रोटेटिंग सिलेंडर। वही एक सिलेंडर ये वाला और एक इससे ज्यादा रेडियस वाला ये वाला, तो उनका जो ये बीच का जो वो है, बीच का जो हिस्सा है उसमें फ्लो हो रहा है। ऐसे डायग्राम देखो कैसे बनेगा, ये दो सिलेंडर्स रोटेट कर रहे हैं ऐसे, एक को मान लेते हैं ओमेगा वन से कर रहा है और दूसरा किससे कर रहा है, ओमेगा टू एंगुलर वेलोसिटी से कर रहा है। इधर अपन कॉमन एक्सिस ऑफ द सिलेंडर्स टेकन टू बी जेड एक्सिस, ये इनकी रेडियस है। इधर जो मापा गया है वो स्मॉल आर, ये होता है आपके थीटा। मान लेते हैं पहले वाले की रेडियस आर वन और दूसरे वाले की रेडियस कितनी है आर टू। इस बार इन दोनों के बीच में फ्लो हो रहा है ऐसे, इन दोनों के बीच में यूँ फ्लो हो रहा है ठीक है। तो वही अपन लेट अस कंसीडर ए विस्कस इनकम्प्रेसिबल फ्लो बिटवीन टू रोटेटिंग सिलेंडर्स, दो रोटेटिंग सिलेंडर्स के बीच में लेंगे जिनकी रेडियस आर वन आर टू और एंगुलर वेलोसिटीज कितनी है जिसके अबाउट अपनी एक्सिस के अबाउट रोटेट कर रहे हैं। छोटे वाले की एंगुलर वेलोसिटी अपन लेंगे वही ओमेगा वन
और दूसरे वाले की एंगुलर वेलोसिटी लेंगे क्या, ओमेगा 2। तो लेट अस कंसीडर ए विस्कस इनकम्प्रेसिबल फ्लो बिटवीन इनकम्प्रेसिबल स्टडी फ्लो बिटवीन टू रोटेटिंग सिलेंडर्स या कंसेंट्रिक भी कह सकते हैं, यानी कोएक्सियल, सॉरी कंसेंट्रिक नहीं कोएक्सियल, जिनकी एक्स एक ही हो, टू रोटेटिंग सिलेंडर्स ऑफ रेडियस R1 and R2 कॉमा एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा 1 and ओमेगा 2 respectively, पहले वाले की रेडियस R1 मान ली, दूसरे वाले की R2 मान ली, ओमेगा वेलोसिटी R1 मान ली और R2 मान ली। Z एक्सिस द कॉमन एक्सिस ऑफ सिलेंडर, लेट Z एक्सिस बी the common axis of cylinder and small r denotes the radial distance outward measured from the z-axis भार की ओर मेजर कर रहे हैं, outward measured from the क्या z-axis। Let br, b theta एंड VZ आर द कंपोनेंट्स ऑफ द क्या है वेलोसिटी, या एक दूसरा BR, BR, Bθ एंड VZ आर कंपोनेंट्स ऑफ द वेलोसिटी अलोंग सिलेंड्रिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम। ठीक है, द नेचर ऑफ फ्लो सजेस्ट दैट इधर तो आपके BR हो गया, थीटा डायरेक्शन जो है ये वाली डायरेक्शन, इधर आपके कौन सा हो जाएगा Bθ हो जाएगा, और इधर जो कंपोनेंट है आपके कौन हो गया BZ हो गया। ठीक है, तो द नेचर ऑफ फ्लो सजेस्ट दैट, क्या सजेस्ट कर रही है, द ओनली नॉन जीरो कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी, क्योंकि इस बार इसमें फ्लो हो रहा है, पिछले वाले में BZ था, हेयर द ओनली नॉन जीरो कंपोनेंट ऑफ द वेलोसिटी वो आएगा Vθ, क्योंकि थीटा डायरेक्शन में आपके क्या हो रहा है फ्लो। तो नेक्स्ट अपन ये लिखेंगे द नेचर ऑफ फ्लो
suggest that the only non-zero component of velocity is v theta, that is v theta not equal to zero है, जबकि बी आर और बी जेड बोथ आर क्या है, जीरो, दोनों के दोनों ही क्या है, जीरो. विदाउट एनर्जी इक्वेशन इन सिलेंड्रिकल पोलर कोऑर्डिनेट विदाउट एक्सटर्नल हीट एडिशन या स्टडी फ्लो ऑफ विस्कस इनकम्प्रेसिबल फ्लूड बिटवीन टू रोटिंग सिलेंडर इज गिवन बाय एब्सेंस ऑफ बॉडी फोर्सेस absence of body forces fr f theta fz equal to zero. Absence of body forces, the equation of energy in cylindrical polar coordinate system, the equation of energy in cylindrical polar coordinate system without external heat addition for steady flow is given by क्या rho cb capital dt upon dt plus del q upon del t plus k del square t plus dissipative function phi c लगा रहे हैं यहाँ पे इस फ्लो के लिए. phi c की वैल्यू वही है इन सिलेंड्रिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम वेयर d upon dt लिख लो. इक्वेशन नंबर वन वेयर d अपॉन dt मटेरियल डेरिवेटिव होता है, डेल अपॉन डेल t प्लस वी आर, डेल डेल r प्लस वी थीटा अपॉन r, डेल थीटा प्लस बी जेड डेल डेल जेड, ये मटेरियल डेरिवेटिव हो गया. डेल स्क्वायर आपके लाप्लासियन ऑपरेटर हो गया, डेल स्क्वायर डेल 2 अपॉन डेल r स्क्वायर 1 अपॉन r, डेल डेल r प्लस 1 अपॉन आर डेल आर प्लस 1 अपॉन आर स्क्वायर, डेल डेल थीटा स्क्वायर प्लस डेल 2 अपॉन कितना डेल जेड स्क्वायर, ये होता है डेल स्क्वायर की वैल्यू होती है. फिर फाइ सी इक्वल टू कितना होता है, म्यू इंटू फर्स्ट कंपोनेंट आता है आपके 2 इंटू डेल या 2 म्यू इंटू ये आता है डेल बी आर अपॉन डेल आर का होल स्क्वायर प्लस ऑफ डेल बी आर अपॉन डेल आर का होल स्क्वायर प्लस ऑफ 1 अपॉन आर डेल वी थीटा डेल बी आर डेल थीटा प्लस बी आर अपॉन आर का होल स्क्वायर डेल बी आर अपॉन डेल थीटा प्लस डेल वी जेड अपॉन डेल जेड का होल स्क्वायर. डेल जेड का होल स्क्वायर प्लस म्यू इन टू, फिर एक और टर्मोलॉजी और होती है, म्यू का कोफिशियंट होता है पूरा के पूरा, और म्यू का कोफिशियंट होता है आर अपॉन डेल आर
आर डेल आर वी थीटा अपॉन आर प्लस में आता है वन अपॉन आर डेल वी आर अपॉन डेल थीटा का होल स्क्वायर प्लस प्लस में आता है वन अपॉन आर डेल वी जेड अपॉन डेल थीटा प्लस ऑफ है डेल वी जेड डेल वी थीटा अपॉन डेल जेड का होल स्क्वायर प्लस लास्ट टर्म डेल वी आर अपॉन डेल जेड प्लस डेल वी जेड अपॉन डेल आर का क्या होल स्क्वायर। तो ये वाले इनकी क्या हो जाती है वैल्यू हो जाती है फ्रॉम, अब ये तो हो गई ये वाली। अब देखो अगेन नाउ फ्रॉम द इक्वेशन ऑफ कॉन्टिन्यूटी वी हैव क्या आएगा, इस बार पहले उल्टा लिख दिया है वही ड्यू टू स्टडी फ्लो क्या होता है ड्यू टू स्टडी फ्लो डेल अपॉन डेल टी या इसके हाई डेरिवेटिव्स क्या होंगे जीरो ड्यू टू एक्सियल सिमेट्री इस बार किसकी वैल्यू जीरो होगी डेल अपॉन डेल जेड की वैल्यू जीरो होगी क्योंकि देयर इज नो फ्लो इन जेड डायरेक्शन कोई फ्लो नहीं है। तो नाउ फ्रॉम द इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी अब वही पहले सेम है कि यहाँ पे जो वेलोसिटी है वो भी किस किस का फंक्शन है आर और थीटा का और टेम्परेचर है वो भी किसका फंक्शन है आर और थीटा का। अब इक्वेशन ऑफ कॉन्टिन्यूटी आगे ये डिसाइड करेंगे कि किस किस का फंक्शन है। तो पहला आएगा नाउ इक्वेशन ऑफ कॉन्टिन्यूटी डेल वन अपॉन आर डेल वी आर अपॉन डेल आर प्लस वी थीटा डेल वी थीटा अपॉन डेल थीटा ये भी वन अपॉन आर होता है ये इक्वेशन होती है प्लस डेल वी जेड अपॉन कितना होता है डेल जेड इक्वल टू जीरो। देखो वी जेड जीरो था ये जीरो हो जाएगा और बी आर खुद जीरो था ये जीरो हो जाएगा तो वन अपॉन आर डेल वी थीटा अपॉन क्या बचेगा डेल थीटा यहाँ पे बी वेलोसिटी था अपन के थीटा तो बी थीटा कर देना। दिस इम्प्लाइज दैट क्या आ रहा है आपके डेल वी थीटा अपॉन डेल थीटा इक्वल टू जीरो दिस इम्प्लाइज दैट बी थीटा इज नॉट ए फंक्शन ऑफ Not a function of theta. अब दो का function था theta का function नहीं है this implies that v theta is function of r only. तो जो v theta होगा वो function होगा r only. This implies that v theta equal to लिखेंगे v theta और r. This implies that del v थीटा अपॉन डेल आर वाली इक्वेशन होगी वो किस में चेंज हो जाएगी डी वी थीटा अपॉन डी आर वाली इक्वेशन में। ये तो इक्वेशन नंबर हो गया टू हाई डेरिवेटिव्स भी आएगा और ये हो गया आपके कौन सा थ्री ठीक है। बी आर वी थीटा ऑलरेडी जीरो ही है। अब फ्लो प्लेन क्यूटी फ्लो है ये प्लेन क्यूटी फ्लो जब पैरेलल की बात आ जाती है तो दो सिलेंडर पैरेलल एक सिलेंडर के ऊपर दूसरा प्लेन क्यूटी फ्लो तो जो टेम्परेचर ग्रेडियंट होगा यहाँ पे जो ग्रेडियंट होगा वो जीरो फॉर द प्लेन क्यूटी फ्लो मैंने लिखा नहीं हेडिंग में यहाँ बता रहा हूँ फॉर द प्लेन क्यूटी फ्लो जिस डायरेक्शन में फ्लो हो रहा है डेल टी अपॉन डेल थीटा इक्वल टू क्या होता है जीरो। जब भी पैरेलल की बात आती है तो टेम्परेचर ग्रेडियंट जो है आप जो भी ग्रेडियंट होगा प्रेशर ग्रेडियंट वहाँ प्रेशर ग्रेडियंट जीरो था यहाँ पे प्रेशर ना होके टेम्परेचर है तो यहाँ पे टेम्परेचर ग्रेडियंट क्या होगा आपके जीरो होगा। तो डेल अपॉन डेल टी दिस इम्प्लाइज दैट टी इज नॉट अ फंक्शन ऑफ टी इज नॉट अ फंक्शन ऑफ थीटा This implies that t is a function of r only. ये भी किसका फंक्शन हो गया r का तो जो भी इसका टोटल डेरिवेटिव होगा वो डिफरेंट पार्शियल डेरिवेटिव होगा वो भी किस में चेंज हो जाएगा टोटल
डेरिवेटिव में, ठीक है। आफ्टर दिस, अब देन इक्वेशन नंबर वन, देन इक्वेशन नंबर वन विल बी क्या होगी, देखो देखो यहां से बता रहा हूं मैं, बी आर जीरो है, ठीक है, बी जेड जीरो है, और डेल टी अपॉन डेल टी थी की वैल्यू जीरो होगी, क्योंकि थीटा है ना यहाँ पे, यहाँ पे जैसे ही अपन ये वाला वैल्यू निकालेंगे, चलो मैं यहाँ लिख देता हूँ, ये लिख दिया, ये लिख दिया, ये लिख दिया और ये लिख दिया, तो इसकी वैल्यू जीरो ड्यू टू स्टडी फ्लो, ये जीरो है, डेल टी अपॉन प्रेशर ग्रेड टेम्परेचर ग्रेडियंट जीरो है, और जेड के रेस्पेक्ट में वैसे भी जीरो है, तो ये भी जीरो, यानी कि पूरा हॉल एल एच एस जो है आपके वो क्या हो जाएगा, जीरो। अब चलो आर एच एस पे, तो आर एच एस में क्या था, डेल टी अपॉन ये वाला जीरो, तो ये पूरा जीरो हो गया, फर्स्ट टर्म जीरो, प्लस के कोएफिशिएंट में क्या बचेगा देखो, तो ये डेल स्क्वेयर टी की वैल्यू निकाल रहे हैं ना अपन, तो यहाँ पे टी लग जाएगा, ये टी लग गया, ये टी लग गया और ये टी लग गया, तो ये तो ऑलरेडी जीरो, क्योंकि सिंगल डेरिवेटिव जीरो, डबल डेरिवेटिव, टेम्परेचर ग्रेडियंट जीरो है, तो हायर ऑर्डर डेरिवेटिव भी क्या होगा, जीरो, ये जीरो है, इसका हायर ऑर्डर डेरिवेटिव भी क्या होगा, जीरो, ठीक है। तो बचेगा क्या, टी इज आर का फंक्शन, तो यहाँ से तो केवल यह बचेगा, ठीक है। दूसरा बी आर वेलोसिटी जीरो है, बी आर जीरो है, यहाँ भी बी आर जीरो है, और डेल अपॉन डेल जेड के रेस्पेक्ट में बी जेड वैसे ही जीरो है, ठीक है। बी थीटा नॉट इक्वल टू जीरो, वी आर जीरो है, बी जेड जीरो है, डेल अपॉन डेल जेड के रेस्पेक्ट में डेरिवेटिव जीरो है, ठीक है। डेल अपॉन डेल जेड के रेस्पेक्ट में डेरिवेटिव जीरो है, और बी जेड वेलोसिटी जीरो है, तो क्या क्या वैल्यूज बचेगी, के मल्टीप्लाई में तो बचेगा, देखो डेल स्क्वेयर टी में से बच रहा है, वन अपॉन डेल स्क्वेयर डेल टू टी अपॉन डेल आर स्क्वेयर, और वन अपॉन आर डेल टी अपॉन डेल आर, प्लस म्यू के कोएफिशिएंट में बच रहा है क्या, म्यू के कोएफिशिएंट में ये वाली टर्मोलॉजी बच रही है, देखो म्यू इंटू आर, म्यू इंटू आर डेल अपॉन डेल आर, और बी थीटा अपॉन आर का क्या है, होल स्क्वायर, इसको इधर भेज दो तो क्या बनेगा, ट्रांसफर करेंगे तो डेल टू टी अपॉन डेल आर स्क्वायर प्लस वन अपॉन आर डेल टी अपॉन डेल आर माइनस में म्यू अपॉन के आर स्क्वायर डेल, या डेल अपॉन डेल आर बी थी, इस इक्वेशन को चेंज करेंगे, किस फॉर्म में चेंज करेंगे, के अपॉन इसको हम लिख सकते हैं, देखो क्या, वन अपॉन आर आगे वाली को डी अपॉन डी आर, और आर डी टी अपॉन क्या डी आर, कैसे, जब r कांस्टेंट रहेगा तो r से r कट जाएगा, टोटल डेरिवेटिव तो डेल टू टी अपॉन डेल आर स्क्वायर हो जाएगा। अच्छा पहले इसको डबल डेरिवेटिव, पहले इसको टोटल डेरिवेटिव में कन्वर्ट कर लेते हैं, तो टोटल डेरिवेटिव में कन्वर्ट करेंगे तो डी टी अपॉन कितना हो जाएगा, डी आर स्क्वायर वन अपॉन r डी टी अपॉन डी आर इक्वल टू माइनस में म्यू अपॉन के, ये आर स्क्वायर बाहर आ जाएगा, और डेल अपॉन डेल आर और वी थीटा अपॉन आर का पूरे का क्या है, होल स्क्वायर चल रहा है। कौन कौन सी इक्वेशन, फ्रॉम इक्वेशन नंबर टू एंड थ्री, नहीं दिख रहा हो तो बता रहा हूँ, टू में तो सॉरी ये वाली थ्री टी टेम्परेचर फंक्शन था इसका, और ये वाली इक्वेशन डी वाली टीवी फंक्शन था आर का,
तो ये वाली इक्वेशन और ये वाली इक्वेशन, तो इन इक्वेशन से है आपके पास, तो इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, देखो वन अपॉन आर डी अपॉन डी आर, आर डी टी अपॉन डी आर का क्या लिख सकते हैं डेरिवेटिव, नहीं ये आर स्क्वायर नहीं, कैसे कि जब r कांस्टेंट रहेगा तो इसका डबल हो जाएगा, और फिर जब r का होगा तो r का 1 हो जाएगा, 1 अपॉन r dt अपॉन क्या बच जाएगा dr, तो माइनस का म्यू अपॉन k r स्क्वायर डेल अपॉन डेल r v थीटा अपॉन में कितना r, और का क्या है आपके होल स्क्वायर चल रहा है, तो इधर तो आपके कितना चल रहा है d अपॉन dr, इधर तो आपके चल रहा है देखो d अपॉन dr, ये r को उधर मल्टीप्लाई करवा दीजिए तो d अपॉन dr r आर डी टी अपॉन डी आर माइनस म्यू अपॉन के आर क्यूब हो जाएगा डेल अपॉन डेल r, और b थीटा अपॉन r का क्या है होल स्क्वायर। इक्वेशन नंबर 5, फ्रॉम द वेलोसिटी डिस्ट्रीब्यूशन वी थीटा की वैल्यू कितनी आ रही है, वहाँ पे वी थीटा की वैल्यू निकाले थे अपन, तो वी थीटा की वैल्यू आ रही है अपन के आर टू का स्क्वायर ओमेगा टू माइनस आर वन का स्क्वायर ओमेगा वन डिवाइडेड बाई आर टू स्क्वायर माइनस आर वन स्क्वायर इंटू आर प्लस में आर वन आर टू का स्क्वायर ओमेगा टू माइनस ओमेगा वन, ओमेगा वन माइनस ओमेगा टू, और आर टू स्क्वायर माइनस आर वन स्क्वायर इंटू वन अपॉन आर, नहीं दिख रहा हो तो इंटू में क्या है वन अपॉन आर, तो इसका आप लोगों को क्या करके रखना है डेरिवेटिव करके रखना है, फंक्शन है तो ये भी जैसे अपन ने टोटल डेरिवेटिव में चेंज किया था, तो ये भी डी अपॉन क्या हो जाएगा डी आर, ये भी आपके डी अपॉन क्या बनेगा डी आर, यहाँ पे भी डी अपॉन क्या बनेगा डी आर, और ये भी आपके डी अपॉन डी आर बी थीटा अपॉन आर, देखो तो ये पूरा हो गया कॉन्स्टेंट, इसका हो जाएगा जीरो, इधर आर वन स्क्वायर आर टू स्क्वायर ओमेगा वन माइनस ओमेगा टू डिवाइडेड बाई आर टू स्क्वेयर माइनस आर वन स्क्वेयर माइनस में टू अपॉन कितना हो जाएगा, ऊपर जाएगा तो माइनस में टू अपॉन कितना हो जाएगा आर क्यूब, ठीक है, तो इसका होल स्क्वेयर निकालना है अपन को, तो होल स्क्वेयर निकालेंगे तो डी अपॉन डी आर वी थीटा अपॉन आर, और पूरे का होल स्क्वेयर वैल्यू चाहिए यहाँ पे, ये देखो होल स्क्वायर की वैल्यू चाहिए, तो होल स्क्वायर कर देंगे तो ये आर वन की पावर फोर आर टू की पावर फोर ओमेगा वन माइनस ओमेगा टू का होल स्क्वायर आर टू का स्क्वायर माइनस आर वन का स्क्वायर का होल स्क्वायर, और ये हो जाएगा फोर अपॉन आर की पावर कितना हो जाएगा सिक्स, इक्वेशन नंबर 6, तो इक्वेशन नंबर 6 से सबस्टिट्यूट कर दो वैल्यू इन इक्वेशन नंबर 5 में, तो सबस्टिट्यूटिंग इक्वेशन नंबर 6 इन इक्वेशन नंबर 5 कीजिए, क्या आता है देखें,
फाइव बी गेट डी अपॉन डी आर आर डी टी अपॉन डी आर इक्वल टू माइनस में म्यू अपॉन के आर क्यू इन टू हॉल वैल्यू आर वन की पावर फोर आर टू की पावर फोर ओमेगा वन माइनस ओमेगा टू का होल स्क्वायर और आर टू स्क्वायर माइनस आर वन स्क्वायर का भी होल स्क्वायर और चल रहा है फोर अपॉन आर की पावर सिक्स। आर क्यूब से क्या कट गया, आर क्यूब कट गया तो माइनस में कितना बचेगा म्यू अपॉन के आर वन की पावर फोर आर टू की पावर फोर ओमेगा वन माइनस ओमेगा टू का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाई आर टू स्क्वायर माइनस आर वन स्क्वायर डॉट फोर अपॉन आर क्यूब और इन द एल एच एस क्या चल रहा है आपके डी अपॉन डी आर आर डी टी अपॉन डी आर ऑन इंटीग्रेटिंग तो क्या आएगा आपके ऑन इंटीग्रेटिंग तो आर डी टी अपॉन डी आर इक्वल टू माइनस में म्यू अपॉन के आर वन टू दी पावर फोर आर टू दी पावर अगेन फोर ओमेगा वन माइनस ओमेगा टू का स्क्वायर आर टू स्क्वायर माइनस आर वन स्क्वायर ऊपर जाएगा आर क्यूब तो माइनस पावर होगी और माइनस पावर होगी आर की पावर माइनस थ्री आर की पावर माइनस थ्री की वैल्यू होती है वन अपॉन आर क्यूब का होता है माइनस में वन अपॉन आर स्क्वायर तो ये बच जाएगा माइनस में टू अपॉन कितना बच जाएगा आर स्क्वायर प्लस कैपिटल ए आर्बिट्री कांस्टेंट अपन का कितना ले लेंगे कैपिटल का ए सॉरी टू नहीं बचेगा हाँ टू ऊपर बचेगा टू अपन के कहाँ बचेगा ऊपर और विथ माइनस साइन और कांस्टेंट क्या ले लेंगे ए ठीक है तो अभी देखो क्या होगा आर का भाग दे दो तो डी टी अपॉन डी आर माइनस माइनस वो वाला माइनस ये वाला माइनस प्लस म्यू अपॉन के आर वन की पावर फोर आर टू की पावर फोर ओमेगा वन माइनस ओमेगा टू का स्क्वायर होल स्क्वायर अपॉन आर टू स्क्वायर माइनस आर वन स्क्वायर और अगेन टू अपॉन आर क्यूब प्लस ए अपॉन आर इक्वेशन नंबर सेवन। अगेन इंटीग्रेटिंग कर दो टी का वैल्यू निकालना है तो अगेन इंटीग्रेट करना पड़ेगा तो अगेन इंटीग्रेटिंग करेंगे तो कितना आएगा टी इक्वल टू देखो म्यू अपॉन के आर वन की पावर फोर आर टू की पावर फोर ओमेगा वन माइनस ओमेगा टू का स्क्वायर। आप लोग चाहें तो इस पूरी टर्म को कुछ मान भी सकते थे पिछले क्वेश्चन की तरह तो दिक्कत नहीं होती वही आर क्यू तो ये टू भी कट जाएगा माइनस में वन अपॉन आर स्क्वायर आ जाएगा ए लॉग आर प्लस कोई वी क्योंकि टू आएगा वो कट जाएगा वेयर कैपिटल ए एंड कैपिटल बी आर आर आर्बिट्री कॉन्स्टेंट आर्बिट्री कॉन्स्टेंट टू बी डिटरमाइंड डिटरमाइंड बाय द बाउंड्री कंडीशन टू बी डिटरमाइंड बाय द बाउंड्री कंडीशंस। तो सबसे पहले यहां पे बाउंड्री कंडीशन देखोगे तो बाउंड्री कंडीशन क्या थी एट आर इक्वल टू आर वन पे पहले तो वेलोसिटी था आर इक्वल टू आर वन पे टेम्परेचर ले लेंगे टी इक्वल टू टी वन और आर इक्वल टू आर टू पे टेम्परेचर ले लेंगे टी इक्वल टू कितना टी टू ये वाला अपन क्या ले लेंगे टेम्परेचर डिस्ट्रीब्यूशन। तो यहाँ से जब यूजिंग द बाउंड्री कंडीशन देन बी गेट कैपिटल है क्योंकि ये कॉन्स्टेंट सेम रहेगा और ये कॉन्स्टेंट सेम रहेगा केवल यहाँ पे आर के स्थान पर आर वन हो जाएगा अप्लाइंग द बाउंड्री कंडीशन इन इक्वेशन नंबर
अप्लाइंग द बाउंड्री कंडीशन इन इक्वेशन नंबर 8. क्या बनेगा उधर, तो t इक्वल टू t1 हो जाएगा. ये कांस्टेंट को अपन म्यू अपॉन के आर वन की पावर फोर आर टू की पावर फोर ओमेगा वन माइनस ओमेगा टू का स्क्वायर डिवाइडेड बाई आर टू स्क्वायर माइनस आर वन स्क्वायर का होल स्क्वायर था. मैं यहाँ पे होल स्क्वायर लगाना भूल गया, ये होल स्क्वायर था, यहाँ पे भी होल स्क्वायर है. होल स्क्वायर माइनस में तो माइनस साइन ले लो, आगे वन अपॉन हो जाएगा आर वन स्क्वायर प्लस ए लॉग आर वन प्लस हो जाएगा वी. दूसरा आएगा टी टू माइनस में म्यू अपॉन के आर वन की पावर फोर आर टू की पावर फोर ओमेगा वन माइनस ओमेगा टू का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाई आर टू स्क्वायर माइनस आर वन स्क्वायर का होल स्क्वायर वन अपॉन आर टू स्क्वायर ए लॉग आर टू प्लस बी. इक्वेशन नंबर 9 और इक्वेशन नंबर 10. तो 9 और 10 को अपन सॉल्व करेंगे तो आपके ए की वैल्यू आएगी और किसकी वैल्यू आएगी, बी की वैल्यू आएगी. जैसे भी घटा के करेंगे तो मैं बता रहा हूँ ए की वैल्यू क्या आ रही है और बी की वैल्यू क्या आ रही है, क्योंकि अपन सॉल्व तो कर ही सकते हैं. तो ए का वैल्यू तो आ रहा है अपन के टी वन माइनस टी टू, इधर लिख रहा हूँ, ए का वैल्यू तो आ रहा है टी वन माइनस टी टू प्लस म्यू अपॉन के ओमेगा टू माइनस ओमेगा वन का होल स्क्वायर आर वन की पावर फोर आर टू की पावर फोर डिवाइडेड बाय आर टू स्क्वायर माइनस आर वन स्क्वायर और होल डिवाइड बाई पूरा के पूरा डिवाइड हो रहा है लॉग आर वन अपॉन आर टू, लॉग आर वन अपॉन आर टू. और कैपिटल बी का जो वैल्यू है आपके वो है, कैपिटल बी का वैल्यू देख लीजिए, टी वन नाउ पुटिंग ए एंड वी देन द टेम्परेचर डिस्ट्रीब्यूशन इज टी इक्वल टू क्या आ रहा है देखो, माइनस में म्यू अपॉन के आर स्क्वायर
आर वन की पावर फोर आर टू की पावर फोर माइनस ओमेगा वन ओमेगा टू का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाई आर टू स्क्वायर माइनस आर वन स्क्वायर का होल स्क्वायर। ये तो कांस्टेंट अपन का टर्म चल ही रहा था। फिर था टी वन माइनस टी टू लॉग आर अपॉन कैपिटल ए का वैल्यू, टी वन माइनस टी टू लॉग आर अपॉन लॉग आर वन अपॉन आर टू, लॉग आर वन अपॉन क्या है आर टू म्यू अपॉन के ओमेगा टू माइनस ओमेगा वन का स्क्वायर आर टू स्क्वायर माइनस आर वन स्क्वायर। ठीक है, फिर वापस है आर वन स्क्वायर आर टू स्क्वायर कैपिटल ए का वैल्यू जो है आर वन स्क्वायर आर टू स्क्वायर इनके बीच में साइन है। टू में और है लॉग आर अपॉन लॉग आर वन अपॉन आर टू, अब प्लस में ये बी का वैल्यू लिख दो। तो बी का वैल्यू कितना है आपके, बी का ये वाला वैल्यू लिख दीजिए टी वन प्लस म्यू अपॉन के ओमेगा टू माइनस ओमेगा वन का स्क्वायर आर वन स्क्वायर आर टू स्क्वायर डिवाइडेड बाई आर टू स्क्वायर माइनस आर वन स्क्वायर लॉग आर वन अपॉन आर टू। ठीक है, प्लस में है मल्टीप्लाई में है, मल्टीप्लाई में इसके मल्टीप्लाई में आर वन स्क्वायर लॉग आर वन आर टू स्क्वायर लॉग आर टू माइनस टी वन माइनस टी टू और लॉग आर वन अपॉन कितना है आर टू। T1 को कॉमन ले लेंगे, ये T कॉमन निकाल देंगे, T1 माइनस T2 या T2 माइनस कितना है T1, T2 माइनस T1। तो आपकी जो वैल्यू है वो रह रही है आपके, देखो क्या है N इंटू आर वन स्क्वेयर आर टू स्क्वेयर, पहले ही अपन इसको कैपिटल N मान लेते जो कांस्टेंट चल रहा था अपन के, N इंटू आर वन स्क्वेयर माइनस आर टू स्क्वेयर आर स्क्वेयर माइनस आर वन स्क्वायर और बाहर चल रहा है आर टू स्क्वायर डिवाइडेड बाय जाएगा। ओमेगा वन माइनस ओमेगा टू कर सकते हैं इसको। तो ये आपके फ्लो बिटवीन क्या हो गया, टू रोटेटिंग सिलेंडर्स। नेक्स्ट इसका जो भी अपन को निकालना हो
स्टेज पूछता नहीं है। हालांकि इसमें अपन स्किन फ्रैक्शन कोफिशिएंट, टेम्परेचर मीन जो भी है, मैक्सिमम टेम्परेचर है वो अपन के फॉर्मूले होते हैं उनके अनुसार निकाल सकते हैं। तो ये यहाँ पर आपके क्या होता है, यूनिट नंबर जो 4 है वो भी क्या होता है, ख़त्म होता है। कल अपन नेक्स्ट पढ़ेंगे यूनिट नंबर क्या पढ़ेंगे, 5, वेरी स्लो मोशन, ठीक है, वो अपन नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ते हैं।